नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधेपुरा जिला के घैलाड़ प्रखंड में। घैलाड़ जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 की जिला परिषद पद की प्रत्याशी संगीता देवी हमारे साथ हैं। लगातार फील्ड में हैं, मेहनत कर रही हैं। अभी भी आप लोगों को बता दें कि जिस समय हमारी टीम यहाँ पहुँची तो जिला परिषद प्रत्याशी संगीता देवी जी फील्ड में ही थी और फील्ड से अभी जस्ट अपने घर वापस आई हैं। लगातार फील्ड में मेहनत कर रही हैं, क्या लग रहा है, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा से समर्थन मिल रहा है हमको। क्या एजेंडा लेके आप मैदान में आई हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि हम मतलब जनता का सेवा करूं अच्छा से, जितना बन पाएगा हमसे उतना हम करेंगे। क्षेत्र में क्या लगता है, कितना विकास हुआ है आपके? अभी तक तो नहीं देख रहे हैं विकास कुछ हुआ है। जैसे रोड नाला के लिए बहुत मांग हो रहा है, मैं जा रही घूमने तो आदमी सब हमको ये बोलते हैं कि जो जीत करके गए हैं जो सो कुछ नहीं कर पाए हैं, आप क्या कर पाएगी? तो मैं यही कहती हूँ मैं जीतूंगी तो हमसे जितना हो सकेगा मैं करूँगी। एक महिला होकर, क्योंकि महिला का ये क्षेत्र भी है, सीट भी है, एक महिला होकर क्या लगता है, कितना टफ होगा इन चीज़ों को करना आपके लिए, जो परेशानियां हैं उसको दूर करना? ये तो हम कर सकेंगे लेकिन मेरे ऊपर मेरे पति देव है, मेरे बाल बच्चा है। विश्वास है आपको कि क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उसको आप दूर करेंगी? हाँ, विश्वास है हमको, हम दूर करेंगे। बहुत सारी समस्या हम देख चुके हैं, अपने आँख से हमको सुनना पड़ रहा है, देख चुकी हूँ जो बहुत समस्या है नव पंचायत में। क्या अभी जो आप लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या क्या समस्याएं लग रहा है कि सामने आ रहा है? समस्या ज़्यादा है कि जो रोड नाला सड़क घर, यही सब समस्या हमको, लेटरिन बाथरूम ये सब समस्या मेरे सामने आदमी सब प्रस्ताव रखते हैं और मैं आँख से भी देख रही हूँ कि ये सब समस्या है। मतलब आपको भी लग रहा है क्षेत्र में आप दौरा कर रही हैं, लग रहा है कि विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है घैलाड़ का? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। और आप इसको, जो समस्याएं दिख रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगी? हाँ, जरूर करूँगी। जो जनता इस वीडियो को देख रही है, आपके घैलाड़ पंचायत की जनता, उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, बोलेंगे। क्या हम ये सबको तो कह रहे हैं कि जो हम करेंगे जब हमसे होगा तो हम कर चुके हैं, ऐसा बात नहीं। थकी हुई हैं, क्षेत्र से अभी मूव करके आई हैं, थकावट चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा है और लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं, जीत के प्रति आश्वस्त हैं, बता रही थी कि क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन इन्हें मिल रहा है। हमारे साथ जो संगीता देवी हैं, जिला परिषद प्रत्याशी, उनके पति यजीत कुमार मुन्ना जी हैं, साथ में हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, इस क्षेत्र में जिला परिषद के रूप में आपकी पत्नी उम्मीदवारी दी है, क्या लग रहा है, कैसा माहौल आपको यहाँ दिख रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लोगों से ये सुनने को मिलता है कि सबसे अच्छा कैंडिडेट यही हैं, पढ़ी लिखी हैं, डेवलप्ड फैमिली है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या दिखी हैं, क्या क्या सामने आई हैं अभी तक? खास करके सड़कें जो हैं, मठाई से भेलवा तक जब आप आए होंगे तो आपको शायद पता नहीं चला होगा कि सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, बहुत बुरी हालत है। और क्षेत्र में भी गली मोहल्लों में मैं घूमा हूँ अपनी पत्नी के साथ, देख के बहुत दुख हुआ। कहीं कहीं तो 3-4 फीट कीचड़ में हम लोगों को घर घर पर जाना पड़ा है और कुछ SC के जो टोले हैं उनकी स्थिति तो इतनी दयनीय है, खास करके झिटकिया जब मैं गया तो एक SC का टोला है और उन लोगों ने जो अपनी समस्या रखी तो मैं वहाँ रोने लगा। खास करके वहाँ एक भी शौचालय नहीं है, किसी के दरवाजे पर चापाकल नहीं है और वहाँ की महिलाओं ने कहा कि हम लोग खेत में जाते हैं नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए और जिनके खेत में हम जाते हैं उनसे गाली सुननी होती है। तो स्थिति तो बहुत बुरी है हमारे प्रखंड की, मैं किसी एक पंचायत की बात नहीं करूंगा,
पूरे प्रखंड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मेरा घर अर्रा महुआ दिघरा पंचायत में है। इस पंचायत में एक टोला है, आज के तारीख में आप कह सकते हैं कि वह एक टापू है। चारों तरफ पानी है, एक संकीर्ण हमको लगता है 8 फीट चौड़ी सड़क गई है पानी के बीच से, और आज से 12-13 वर्ष पहले वहाँ सोलिंग हुआ था, वो घिसा गया है। हमारी गाड़ी जब जा रही थी तो आँख हमने बंद कर ली कि लग रहा था जा गाड़ी झुकती थी तो लगता था पानी में जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद हल्की वर्षा शुरू हुई तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि सर छोड़िए भागिए नहीं तो फिसल के गड्ढे में चले जाएंगे। आज के इस युग में ऐसा स्थान हो हम लोगों के लिए शर्म की बात है। उस टोला को लोग डीह टोला के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो समस्या का तो अंबार है जैसा आप बता रहे हैं, और क्षेत्र में भी क्योंकि हम लोगों की टीम ही लगातार दौरा कर रही है आपके क्षेत्र का, तो समस्याओं का तो अंबार है, लेकिन जनता अगर विश्वास करती है आपके ऊपर और चुनाव जिताती है तो क्या क्या विकास आपके द्वारा होगा? सबसे पहले तो सड़क की बात है, और ढेर सारी समस्याएं हैं, लेकिन जिला परिषद के अंतर्गत जो कुछ आएगा मैं चाह के भी वही सिर्फ कर पाऊंगा, उसके अतिरिक्त तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्षेत्र के अंतर्गत ही कितना विकास का आप एजेंडा लेके चले, किस एजेंडे पे बेसिकली फोकस करना और काम करना है? सबसे पहले सड़क, अगर मुझे मौका मिलता है, मेरी पत्नी को मौका मिलता है, तो मैं इनसे कहूँगा कि सबसे पहले तुम सड़क को देखो, और सड़क के साथ ही साथ एकदम पैरेलल में शिक्षा पर भी ध्यान दो। यह दो मुद्दा जो है विशेष कर यह रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हुए? जी हाँ, मैं प्रधान रह चुका हूँ BPSC से, प्लस टू में मैं प्रधानाचार्य था, मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। शिक्षक की जिंदगी हमने जिया है, तो कई जगह हमने देखा कि दरवाजे पर 10 भैंसे बंधी हुई है, 50 फीट का उनका दरवाजा है, और उनके दरवाजे पर एक लड़का था। मैंने कहा कि बाबू तुम पढ़ते हो, उसने कहा हमने छोड़ दिया। तो मैं इतना भावुक हो गया कि उनके माता पिता को हमने हाथ जोड़ के कहा कि इसको आप इलेक्शन का मुद्दा मत बनाइए, आप हमें वोट न दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्षेत्र गैलाड प्रखंड जो है काफी पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल पिछड़ा हुआ सर, 3-4 जगह हमने देखा है। एक जगह तो हमने देखा कि एक 6 या 7 साल के बच्चे को, ही घेलार के बगल में ही एक टोला है घेलार का ही, बच्चे को रस्सी से बांध के एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा के ऊपर से दावे हुए था और उसको लेके जा रहा था। कुछ क्षण के लिए हमको लगा कि अरे भाई दिन में किडनैपिंग, मैं देखने लगा, वो गाड़ी वाला गाड़ी रोका तो वही एक आदमी कहता है इसको मारो या स्कूल नहीं जाता है। मैं वहाँ गया और उन लोगों को समझा के उस बच्चे को बंधा हुआ था उसको हमने खुलवाया। सबों ने कहा यह बच्चा भाग जाएगा, हमने कहा कि आप लोग इसका हाथ छोड़िए या नहीं जाएगा। मैंने उस बच्चे को अपने देह में सटाया और प्यार से उससे बात की, और आपको मैं मोबाइल नंबर तक दे सकता हूँ, उनका नाम है उनके पिता का गणेश कुमार यादव। और मैंने बच्चे को समझाया, वह चुप हो गया, भागा तक नहीं। एक दिन के बाद उसके पिता का फोन आता है कि सर आश्चर्य हो गया। हमने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा कि सर आज मेरा बेटा सवेरे कहा कि सर जो गाड़ी पर चढ़ते थे हमको कहे कि पढ़ो गाड़ी मिलेगा, हमको स्कूल भेजिए, और खुशी की बात है अभी वह बच्चा हॉस्टल में रह रहा है। तो पहली बात यह है कि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, जब ऐसी स्थिति देखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरा ध्यान उस बच्चे पर जाता है जो अशिक्षित है, पढ़ना नहीं चाहता है। मार के पढ़ाई थोड़ा हो सकती है, अगर उसके मन में भय बैठ गया तो वो पढ़ेगा क्या, प्रेम से उसको लाना पड़ता है। तो शिक्षा का भी विकास यहाँ पर दिखेगा आपके जीतने के बाद, जो आपके क्षेत्र की जनता इस वीडियो को देख रही है, आप अगर कुछ बोलना चाहें तो बोलिए।
जनता से मैं लगभग लगभग क्या 100% 9 पंचायत के 96 गांव में एक एक घर मेरी पत्नी गई है आंगन आंगन, मैं भी दरवाजे दरवाजे साथ गया हूं और लगभग सभी जनता जान रही है कि मेरा विचार क्या है, मैं कैसा हूं। मैं यह भी कहता हूं कि यह जिला परिषद का जो सीट है यह जिला का है, डीएम साहब से बात करनी होगी, एसपी साहब से मीटिंग हो सकती है, बड़े बड़े पदाधिकारियों से मीटिंग होती है। इसमें जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं सबों को आप देख लें, अगर मैं उसके लायक हूं तो मुझे ही वोट दें। यह प्रखंड की इज्जत का सवाल है, इज्जत गंवाना नहीं है। हमसे अच्छा कोई है जो इस पद के लायक हैं, बेशक आप उनको वोट देके अपने प्रखंड का मान सम्मान बढ़ाइए, इज्जत बढ़ाइए। हमारे साथ थे गहलार जिला परिषद की प्रत्याशी संगीता देवी के पति यतीन्द्र कुमार मुन्ना, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। स्पष्ट इन्होंने कहा कि अगर प्रत्याशी इनकी जीतती हैं तो क्षेत्र में सड़कों के साथ साथ शिक्षा का भी विकास होगा। हमारे इस खबर को अपने फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।